हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर वेल स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें क्लास एलेवेंथ अकाउंट्स का चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ये प्योर अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर है नॉर्मली अगर हम देखें तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं अकाउंटिंग कम होती है तो अगर ये देखा जाए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो ये अकाउंटिंग का एक प्योर अकाउंटिंग चैप्टर जिसमें अकाउंटिंग के सारे डेबिट और क्रेडिट के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं फंडे हैं वो सब अप्लाई होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ एक चैप्टर और रहा ऑफ एरर्स और एयर वहां पर भी हमारी अकाउंटिंग प्योर अकाउंटिंग अप्लाई होती है सो लेट स्टार्ट द चैप्टर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वॉट डू मीन बाय स्टेटमेंट देखो स्टेटमेंट का मतलब है सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दैट्स इट अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पेपर पे लेकर एक पेपर लें और उस पेपर पे सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें दैट इज इन स्टेटमेंट वो पेपर फिर एक स्टेटमेंट बन जाता है तो बैंक रिकन्सन स्टेटमेंट भी ऐसा ही है एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट होने के साथ है कि ये डबल एंट्री सिस्टम को कभी इम्पैक्ट नहीं करता ट्रायल बैलेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता इसका ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट आता सिर्फ लेजर अकाउंट के बैलेंसेस का तो अगर आप हाँ बैंक रिकन्सन स्टेटमेंट बना भी रहे हो या नहीं भी बना रहे हो इसका ट्रायल बैलेंस से कोई लेन देना नहीं ट्रायल डबल एंट्री सिस्टम में कहीं इम्पैक्ट नहीं आता बैंक रिकन्स्टी स्टेटमेंट हम बना रहे हैं हमारी सहूलियत के लिए कुछ एक फैसिलिटेशन है हमारे लिए हम हम हमारे बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल के लिए बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं बैंक रिकन्स्टी स्टेटमेंट बना रहे हैं <coughs> और कुछ कुछ बिजनेसेस में ये स्टेटमेंट बनाना जरूरी भी नहीं है जस्ट बिकॉज अगर छोटे लेवल पर बिजनेस है ज़्यादा बैंक के साथ ट्रांजेक्शन नहीं है तो हमें ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत भी नहीं बट बड़े बिजनेसिस को बैंक रिकन्सिड्रेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके सो so, स्टार्ट <coughs> करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें बैंक रिकन्सिड्रेशन के लिए कौन सी नॉलेज की जरूरत है हमें एक तो कैशबुक बनाना अच्छे से आना चाहिए हमें पता होना चाहिए कैशबुक में बैंक कॉलम कैसे ऑपरेट होता है सेकंड इज लेजर जब हम लेजर बनाए <coughs> तो हमें पता होना चाहिए कि लेजर में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है कैसे हम पोस्टिंग करते हैं ये सब हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए अभी समझते हैं कि बैंक रिकन्सिडेशन स्टेटमेंट कब बनाते हैं क्यों बनाते हैं <coughs> देखो पहला तो हमने समझ लिया स्टेटमेंट है डबल एंट्री सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता सिंपल है खाली पेपर पे हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं बैंक रिकन्सिडेशन स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है आप एक बनाना भी चाहो तो चल बना सकते हो अगर बैलेंसेस मैच हो रहे तो नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं खाली पेपर पर बनाया जाता है बुक्स अकाउंट में कभी नहीं बनाया जाता अब बैंक रिकन्सिडेशन मतलब क्या होता है बैंक रिकन्सिडेशन मतलब होता है कि हमारे पास एक बुक में बैंक कॉलम होता है और इसी तरह से बैंक के पास हमारा अकाउंट होता है जो पासबुक बताती है देखो ये चीज बताता हूँ एक सिंपल सी बिजनेस एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास सपोज मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है ठीक बिजनेस की बुक्स और अकाउंट्स है और ये बैंक की बुक्स है ये बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट है क्योंकि बैंक में हमारे साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसकी भी बुक्स बुक्स अकाउंट्स अकाउंट्स होंगी ऑब्वियसली बिजनेस की में होती है कैश बुक और कैश बुक में होता है बैंक कॉलम जिसको हम बैंक अकाउंट भी मान सकते हैं क्योंकि बैंक अकाउंट हम अलग से नहीं बनाते हैं कैश बुक इट इज एक्टिंग एज अ बैंक अकाउंट तो बिजनेस की बुक्स में क्या है बैंक कॉलम दैट इज बैंक अकाउंट और इसी तरह से जो बैंक की बुक्स है बैंक की बुक्स में किसका लेजर है बिजनेस का अकाउंट है या बिजनेस का लेजर है तो अल्टीमेटली वो क्या रहा है जो ट्रांजेक्शन बिजनेस बैंक कॉलम में या बैंक अकाउंट में कर रहा है वही ट्रांजेक्शन जो आपका बैंक है सपोज आपका बैंक है एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है वही ट्रांजेक्शन बैंक भी बिजनेस के अकाउंट में कर रहा है तो अल्टीमेटली ये दोनों अकाउंट मैचअप होने चाहिए बट कौन से डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर हमारी बुक्स में बैंक का बैलेंस डेबिट है तो हमारा बिजनेस अकाउंट का जो बैलेंस होगा बैंक की बुक्स में वो क्रेडिट होगा तो बैलेंस मैच होने चाहिए अमाउंट वाइज बट डायरेक्शन क्या होगा ऑपोजिट सो दिस इज अ बेसिक ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और हमारा जो अकाउंट है बैंक की, के बैंक, की बैंक की बुक्स में बैंक की बुक्स में बिजनेस अकाउंट कैसे मिलता है हमें कैसे पता लगता है कि हमारे अकाउंट में क्या क्या हुआ बैंक ने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए तो हमें बैंक देता है पासबुक पासबुक इज नथिंग इट्स अ रेप्लिका ऑफ बिजनेस अकाउंट बिजनेस का जो अकाउंट है उसका रेप्लिका है पासबुक अगेन बैंक स्टेटमेंट भी देता है वह पासबुक तो बुक फॉर्म में होती है और जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो लीफ फॉर्म में होता है लीफ मतलब पेजेस के फॉर्म में होता है तो या तो आपको पासबुक मिल सकती है बैंक से आपका अकाउंट चेक करना आपको पासबुक ले आओ पासबुक को फिलअप कराओ पूरा अकाउंट फिलअप करके दे देगा बैंक आपको या बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा बैंक स्टेटमेंट इज़ जस्ट इन द फॉर्म ऑफ लीव्स पेपर के फॉर्म में होता है सिंपल पेपर्स हैं चार पांच पेपर दे दिया आपको उसमें पूरा बैंक स्टेटमेंट छाप के आपको दे दिया सो <coughs> so, जब भी आपको बिजनेस का अकाउंट देखना है बैंक की बुक्स में तो या तो आपको पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी या बैंक स्टेटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और बिजनेस की बुक्स में अगर बैंक अकाउंट देखना है तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ कैश बुक देखनी है यू हैव टू सी कैश बुक ऑनली बुक में बैंक का अकाउंट है दैर इज बैंक कॉलम आई होप यू अंडरस्टैंड कि बैंक रिकन्सिलेशन में क्या क्या चीज़ यूज में आती है अब हम देखते हैं कि बैंक रिकन्सलेशन कैसे बनाया जाता है कब बनाया जाता है इस पूरे पैटर्न को हम देखते हैं देखिए हमारे पास नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में हुए वही ट्रांजेक्शन बैंक की पासबुक में होने चाहिए बट क्या होता है नॉर्मली बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कुछ ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे दोनों बैलेंसेज मैच नहीं होते तो ये कारण होता है बी बनाने का कि अगर आपके दोनों बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे उनका अमाउंट मैच नहीं हो रहा तो बी बनाना पड़ेगा सो so, बी आर एस बनाने के लिए मैंने बता दिया आपको पासबुक और बैंक स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा बैंक से मिलेगा और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट क्या इट इज़ नथिंग बट रेप्लिक ऑफ कस्टमर्स लेजर अकाउंट मैं कस्टमर हूँ बैंक का मेरा अकाउंट बैंक की बुक्स में तो मुझे अगर मेरे अकाउंट के बारे में जानना है तो बैंक की पासबुक फिलअप करवा के बैंक स्टेटमेंट लाके मैं देख सकता हूँ कि मेरे अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए नो वॉट वी डू इन बी आर एस हम बी आर एस में क्या करते हैं हम बी आर एस में इन दोनों को मैच करने की कोशिश करते हैं ये मैच का साइन है हम दोनों को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं <coughs> कैसे देखो हम पासबुक में कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि पासबुक हमारी बुक्स और अकाउंट्स नहीं है हम कैशबुक में भी कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में हम ना तो कैशबुक में कोई चेंज कर रहे हैं बैलेंस मैच करने के लिए और न ही पासबुक में कोई मैच कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं एक सिंपल पेपर ले रहे हैं और उस पेपर में एक स्टेटमेंट बना रहे हैं उन दोनों बैलेंसेस को मैच करने के लिए हम मैचिंग कहाँ पे कर रहे हैं पेपर में एक्चुअल में मैचिंग नहीं करवा रहे हैं हम लोग एक्चुअल में तो ट्रांजेक्शन डिफरेंट बैलेंस डिफरेंस हो सकते हैं और डिफरेंस रहेंगे बट हम पेपर में चेक कर रहे हैं कि डिफरेंसेस क्यों हैं सो बी आर कब बनाया जाता है किस में बनाया जाता है बी कोई बुक्स और अकाउंट्स में नहीं बनाया जाता सिंपल पेपर पर पे अलग से बनाया जाता है आजकल वैसे इलेक्ट्रॉनिक <coughs> सॉफ्टवेयर आ गए हमारे पास वो सॉफ्टवेयर हमारा पूरा बी आर करके दे देता हमें सो दिस इज अबाउट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नाउ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है जिसको हम कह सकते हैं कट ऑफ डेट जैसे कट ऑफ डेट या रिपोर्टिंग डेट हम चाहे तो बैंक स्टेटमेंट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पंद्रह दिन में एक बार बना सकते हैं अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है बैंक के साथ हम चाहे तो मंथली बना सकते हैं हम चाहे तो क्वार्टरली बना सकते हैं हाफ ईयरली बना सकते हैं या इयरली बना सकते हैं नॉर्मली हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ईयरली के बेस पे हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ईयरली बना रहे हैं नो बैंक रिकन्स स्टेटमेंट क्या बताता है सिर्फ डिस्क्रिपेंसीज बताता है दोनों बैलेंसेज मैच नहीं हो रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी है तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सिर्फ डिस्क्रिपेंसी बताता है दैट्स इट एंड बी आर एस इज जस्ट अ सिंपल टेक्निक इट्स अ सिंपल टूल टू एड और लेस टू सब्ट्रैक्ट और टू एड समथिंग एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है नो no. <coughs> बी आई एस चालू कैसे करते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं हमने ये देखा था कि हमारी जो कैशबुक है उसमें बैलेंस होता है बैंक का ये हमारी बिजनेस की कैश बुक है बिजनेस की कैश बुक में बैंक का अकाउंट है बैंक कॉलम है जिसको हम बैंक अकाउंट भी मानते हैं उसका बैलेंस होता है डेबिट डेबिट का मतलब है हमारा पैसा बैंक में जमा है हम पैसे मांगते हैं बैंक से हमारा एसेट है अगर हम पैसे मांगते हैं हमारा राइट है तो ये हमारा एसेट है क्योंकि हमने पैसा जमा करा रखा है बैंक में तो बैंक हमारी बुक्स में डेबिट है हम मांगते हैं उससे पैसा या फिर अगर हम बैंक की बुक्स को देखें ये बैंक की बुक्स अकाउंट से ठीक है तो बैंक की बुक्स में किसका अकाउंट है बिजनेस का अकाउंट है हमारा अकाउंट है हमने जो पैसा जमा कराया बैंक में ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक वो हमें पैसा वापस दे वापस लौटाए पैसा ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक ने पैसा सिर्फ संभाल के रखने के लिए अपने पास रखा है बैंक को पैसा ले नहीं सकता खुद अपने पास रख नहीं सकता परमानेंटली तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक वो पैसा बिजनेस को लौटाए। इसलिए बैंक की बुक्स में बिजनेस का अकाउंट क्या है क्रेडिट है क्रेडिट का मतलब है बैंक के लिए वो बिजनेस अकाउंट लाइबिलिटी है बैंक को पैसा जितना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उतना पैसा बैंक को चुकाना है किसको चुकाएगा बिजनेस को तो देखो कंक्लूजन ये आए कि कैशबुक में बैंक का अकाउंट डेबिट है बैंक बुक्स में बिजनेस का अकाउंट क्रेडिट है भले ही डेबिट और क्रेडिट हो हम यहां पे बैंक से पैसा मांगते हैं आप किसी भी बैलेंस को देख लो दोनों में से किसी भी बैलेंस को देखो अगर बैंक का मैं बिजनेस का बैलेंस क्रेडिट है और कैशबुक में डेबिट है पर दोनों केसेस में हम बैंक से पैसा मांगते हैं अगर हम बैंक से पैसा मांगते हैं तो इसको हम बैलेंस कहते हैं या फिर हम इसको कई बार फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं फेवरेबल बैलेंस सो फेवरेबल और अनफेवरेबल वर्ड हमारे हिसाब से बोला हमने बट right? अकाउंटिंग के हिसाब से बैंक का बैलेंस डेबिट है हमारी बुक्स में या बैंक की बुक्स में बिजनेस का बैलेंस क्रेडिट है तो वो फेवरेबल बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमारे लिए फेवरेबल है या फिर बैलेंस है इसका ऑपोजिट होता है ओवर कभी कभी क्या करते हैं हम बैंक से पैसा ओवरड्रॉ कर लेते हैं ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं जितना हमें जैसे बैंक में जमा कराया हम उससे ज़्यादा विद्रॉ कर लेते हैं बैंक ने हमें एक ओवर फैसिलिटी दे रखी है तो हम लोग क्या करते हैं बैंक से पैसा ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो जब हम पैसा ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो बैंक हमसे पैसा मांगता है इसका मतलब बैंक हमारे लिए लाइब्रेटी है तो कैशबुक में बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा क्रेडिट होगा लाइब्रेटी होगा और बैंक हमसे मांगता है तो बैंक के पास पैसे मांगने का राइट है तो बैंक की बुक्स में जो बिजनेस का अकाउंट है वो उसका राइट है राइट है मतलब उसका बैलेंस क्या होगा डेबिट बैंक की बुक्स में बिजनेस अकाउंट क्या होगा डेबिट और बिजनेस की बुक्स में बैंक अकाउंट क्या होगा क्रेडिट अगर ऐसा है हमारी बुक्स में क्रेडिट और उनकी बुक्स में हम डेबिट है तो ये हमारे लिए ओवर ड्राफ्ट है और ओवर ड्राफ्ट को हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे फेवर में नहीं है हमें पैसा चुकाना है इट इज नॉट इन आवर फेवर सो इट कैन बी नोन एज अनफेवरेबल बैलेंस सो दिस इज अबाउट बेसिक कि एक्चुअल में कौन सा बैलेंस कौन सी बुक्स में कैरी कैसे हो रहा है और उसको हम क्या बोलेंगे अब नॉर्मली जब हम पासबुक्स और कैशबुक को मैच करना चाहते हैं तो डिफरेंस ये है हम किस तरह से मैच करते हैं उसको समझते हैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि आपको स्कूल से घर आना है सीधा कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाना है या घर से अगर आप निकलेंगे तो आपको सीधा स्कूल जाना है बंग नहीं मारना है तो आपके सामने एक सिंपल सा थम रूल आ गया कि हम अगर घर से चलेंगे तो हमें स्कूल पहुंचना है और अगर स्कूल से चले तो हमें घर पहुंचना है दैट्स इट तो यहाँ पे भी ऐसा ही है जब हम बी बनाते हैं तो या तो हम कैश बुक के बैलेंस से चलेंगे और पासबुक पर पहुँच जाएंगे या हम कैश बुक के ओडी से चलेंगे और पासबुक के ओडी पे पहुंच जाएंगे या कभी कभी ऐसा भी होता हूं बुक के बैलेंस से चलेंगे और पासबुक के ओडी पे पर पहुंच जाएंगे या पासबुक के ओडी से चले तो कैश बुक के बैलेंस से ओडी पे पहुंच जाएंगे हम कहीं से भी चलें भले ओडी बैलेंस लेके चले फेवरेबल बैलेंस लेके चले हमें पहुंचना नेक्स्ट बुक पे बुक से चलोगे तो पासबुक पर पहुंचना पासबुक से पहुंचोगे पासबुक से चलोगे तो कैश बुक पर पहुंचना आप किसी भी तरह से बी बना सकते हो यह आपकी इच्छा है आपको कहाँ से चलना है यह आपकी इच्छा है बट हाँ हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि हमें कैश बुक से चलना है पासबुक से चलना है बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा और दोनों बुक्स से बैलेंस दे रखे हैं तो आपकी मर्जी आप कहीं से भी चलो और कहीं भी, भी पहुंचो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सो पासबुक और कैश बुक को अल्टीमेटली हमें क्या करना है एक खाली पेपर में मैच करना है कि भैया ये डिस्क्रिपेंसी है इस वजह से दोनों बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे थे ये हमने आपके सामने मैच करके बता दिए दैट्स इट दैट इज इन बी आर एस सिंपल अब देखो अब डिस्क्रिपेंसी जो आती है उसके रीजंस क्या है डिफरेंसेस के रीजंस क्या हैं सबसे पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है टाइमिंग डिफरेंस ट्रांजैक्शन जो हुआ जब ट्रांजैक्शन कैश बुक में हुआ और जब ट्रांजैक्शन बैंक की पासबुक में हुआ उन दोनों ट्रांजेक्शन के दोनों के ट्रांजेक्शन के होने का जो टाइम है वो टाइम अलग अलग है एक बुक्स में पहले हो गया दूसरे में बाद में हुआ दूसरे में पहले हो गया पहले में बाद में हुआ तो ट्रांजेक्शन का जो राइटिंग डाउन का टाइम है जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका जो टाइम है वो टाइमिंग डिफरेंस है तो सबसे पहला टाइमिंग डिफरेंस है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और दूसरा टाइमिंग डिफरेंस है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर ये दो टाइमिंग डिफरेंस है इनको हम डिटेल में पड़ते हैं सी दिस यहां पे मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है <coughs> देखो हमारा कट ऑफ डेट है सपोज मान लीजिए थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये हमारा कट ऑफ डेट है हम बी आर एस का बना रहे हैं हमारे कट ऑफ डेट पे बी आर एस बना रहे हैं मतलब और सिंपल सी बात है अगर आप बी में कोई कट ऑफ डेट नहीं रखेंगे तो तो फिर बी भले ही मैच कराओ या मत कराओ क्या फर्क पड़ेगा आज नहीं कराओगे तो कल करवा लेंगे मैच कल वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा क्लियर तो कल क्लियर हो जाएगा तो वैसे ही मैच हो जाएगा तो बी के लिए कट ऑफ डेट है वो कट ऑफ डेट क्या है थर्टी मार्च सपोज अब देखो ट्रांजेक्शन क्या है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट देखो हम किसी पार्टी को चेक दे रहे हैं वो पार्टी क्या करती है जिसको हमने पेमेंट किया वो पार्टी चेक अपने खुद के बैंक अकाउंट में डालता है वो पहले उसका बैंक हमारे बैंक के पास आता है और हमारा बैंक फिर उसकी बैंक को पेमेंट देता है तो ये लंबा प्रोसेस है जब और हम एंट्री कब करते हैं कैश बुक में हम एंट्री करते हैं जब हम चेक इशू कर रहे हैं व्हेन वी आर इशूइंग द चेक हम तभी एंट्री करते थे हम लोग तो हम लोग जानते बाद में भूल जाएंगे तो कैश बुक में तुरंत एंट्री कर दी हमने तो हम तो कैश बुक में एंट्री करते हैं जब चेक इशू करते हैं बैंक कब कब करता है बैंक तब एंट्री करता है जब बैंक पेमेंट कर रहा है उसके अगेंस्ट में बैंक तब एंट्री करता है बिना पेमेंट के बैंक कभी एंट्री नहीं करेगा तो हमारे एंट्री करने के टाइम में और बैंक के पेमेंट के टाइम में दोनों में डिफरेंस आ जाता है दस दिन का पाँच दिन का दो दिन का चार दिन का कुछ भी डिफरेंस आ सकता है इसलिए हमने इसको क्या बोला टाइमिंग डिफरेंस अब देखो क्या हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च सपोज हमारा कट ऑफ डेट है ये है बिजनेस की बुक्स ठीक और ये है बैंक की बुक्स है सपोज मान लो बैंक का नाम है एस बैंक ठीक है बिजनेस की बुक्स में किसका अकाउंट है बैंक का अकाउंट है सपोज मान लीजिए मार्च को थर्टी मार्च हमारा कटआउट डेट है ट्वेंटी मार्च को बैंक का अकाउंट का जो बैलेंस था बैंक अकाउंट बैलेंस था डेबिट फोर्टी थाउजेंड सपोज और एसबीआई में जो बैंक की बुक्स है उसमें किसका अकाउंट है बिजनेस का अकाउंट है तो 29 मार्च को जो बिजनेस अकाउंट था उस बिजनेस अकाउंट का जो बैलेंस है 29 मार्च को वो है क्रेडिट 40,000 अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैच हो रहा है यस yes, 29 मार्च को दोनों बैलेंसेस मैच हो रहे हैं 29 मार्च तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी बट क्या हुआ थर्टी मार्च को बिजनेस ने एक चेक इशू कर दिया रमेश को रमेश दस हज़ार रुपये मांगता था हमसे तो हमने एक चेक इश्यू कर दिया रमेश को और हमने तुरंत थर्टी मार्च को एक एंट्री पास करी रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक को क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारा पैसा कौन देगा हमारा बैंक क्रेडिट टू बैंक टेन थाउजेंड टू बैंक टेन थाउजेंड ये हमने चेक इशू कर दिया हमने कब एंट्री करी थर्टी फर्स्ट मार्च को जिस दिन चेक इशू किया उस दिन एंट्री कर दी हमने कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में ऐसा करने से क्या हुआ थर्टी मार्च का जो एंड ऑफ द डे बैलेंस था वो बैंक का बैलेंस हो गया डेबिट थर्टी बैलेंस कम हो गया क्योंकि हमने एक चेक इशू कर दिया थर्टी मार्च को यह बैलेंस हो गया अब रमेश ने क्या किया रमेश ने वो चेक बैंक को प्रेजेंट ही नहीं किया कब तक थर्टी मार्च तक थर्टी मार्च के दिन तो प्रेजेंट हो नहीं सकता क्योंकि हमने उसको शाम को चेक दिया तो वो तो प्रेजेंट करेगा दो या तीन दिन, दिन बाद अब दो या दिन बाद या एक दिन बाद जब प्रेजेंट करेगा तब तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा और वो चेक प्रेजेंट होगा बैंक में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी एंट्री बैंक में आएगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो थर्टी मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उस दिन बैंक की बुक्स में बिजनेस का बैलेंस कितना है बिजनेस का बैलेंस है क्रेडिट फोर्टी देखो यहां पे डेबिट और क्रेडिट अपोजिट हैं श्योरली अब यहां पे अमाउंट भी मैच नहीं हो रहे दोनों के बैलेंसिस में डिस्केंसी आ गई यही डिस्क्रपेंसी हम बैंक बैंक रिकन्सिड्रेशन स्टेटमेंट में क्लियर करेंगे कैसे देखो हमें सिंपल फॉर्मेट में बैंक रिकन्सिडर स्टेटमेंट बनाना है फॉर्मेट मैंने नीचे बना रखा है मैं दोनों तरह से करके बताता हूँ आपको यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बैलेंस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि डेबिट बैलेंस है बैंक का अकाउंट का बैलेंस बैलेंस डेबिट है सो बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना थर्टी फर्स्ट मार्च को थर्टी थाउजेंड आउट डेट पर हमने एक चेक इशू किया था इससे हमारा बैलेंस कम हो गया था तो हम लोग क्या करेंगे उसको मैच करने के लिए वापस से बैलेंस को ऐड कर देंगे यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रजेंटेड बट नॉट प्रजेंटेड टेन थाउजेंड वापस ऐड कर दिया हमने और हमारा बैलेंस हो गया फोर्टी थाउजेंड ये जो फोर्टी थाउजेंड है इसका मतलब है बैलेंस एज पर पासबुक दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक नौ no. अब हमारे पास ठीक के बैलेंस एज पर पासबुक वो है हमारे पास फोर्टी थाउजेंड लेस कर देंगे टेन थाउजेंड लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड दैट इज़ टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड लेस कर देंगे सो so हमारे पास बचेगा फोर्टी थाउजेंड दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ पे आके बच्चों हमारे एक बैंक रिकनसडेशन कंप्लीट हो जाता है हमने एक ही ट्रांजेक्शन बैंक रिकनसेशन किया है हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बहुत सारे बैंक रिकन्सडेशन ट्रांजेक्शन आ सकते हैं सो so, इस लेक्चर में हम यहीं पर इसको एंड कर रहे हैं फिर हम लोग नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे थैंक यू गुड